हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं क्या करने में लग गई हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे देख के। तो दोपहर का खाना, उसका वीडियो वगैरह डालना, सारा कुछ कम काम करके मैं करीब 3-3.30 बजे खाली हुई हूँ, तब लग गई हूँ इस काम में। और ये सिलेंडर ऐसे रखा रहता तो अच्छा नहीं लगता बहुत दिनों से। तो ये मेरी एक लॉन्ग कुर्ती थी जो पड़ी हुई थी, अब इसको पहनना नहीं था, ख़राब हो चुकी है। मैंने कहा चलो इसी का काम तमाम करते हैं और कुछ काम करते हैं। तो इसको ना ऊपर से नाप के काट लिया सिलेंडर के नाप से, और साइड से ज़्यादा चौड़ी हो रही थी तो इसका साइड से भी थोड़ा सा काटा है। और बस सीधा सिलाई कर देंगे उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं करूँगी। बस जितनी कटिंग हुई है उतनी की सिलाई ही करूँगी बस। तो बस ये देखिए इस तरह से सिल गया है। वैसे तो कोने में रखा रहता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कवर बनाना ज़रूरी नहीं, फिर भी लगता है ना ऐसे रहेगा तो और सुंदर लगेगा। और हम औरतें सोचते हैं कि हमारा घर हमेशा सुंदर ही लगे। और ये मेरे कुशन कवर थे जिनकी सिलाई बहुत कमज़ोर थी, तो इनको भी बस सिलाई कर ली है। ये सिल लिया अपने सिलेंडर का कवर, कुशन कवर पे, इन पे सब पे सिलाई मार दी मैंने डबल डबल। और ये बनाया मैंने स्क्रंची, इनको दीक्षा दी, तू लोगों को ये बहुत पसंद है। एक दिन मार्केट गई थी तो ये लोग बोल रहे थे कि मम्मी स्क्रंची लेनी है, स्क्रंची लेनी। मैंने कहा ये तो मैं खुद ही बना दूंगी, घर में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, किस लिए बाहर फालतू में खरीदना। तो मैंने इन लोगों को नहीं खरीदा था, तो आज मैंने रबर, मेरे पास वो नहीं है लास्टिक जो होती है ना इसके अंदर डालने के लिए लास्टिक, तो ये लास्टिक नहीं है, तो लास्टिक मार्केट से लेके आऊंगी। तो और भी मेरे पास नए कपड़े कई पड़े हुए हैं। अभी ये जो मैंने उस दिन पेटीकोट बनाया था इसकी स्क्रंची बनाऊंगी, अच्छी बनेगी। तो जब मैं लास्टिक लेके आऊंगी मार्केट से तो ढेर सारी इन लोगों के लिए बना दूंगी कलर कलर की। और अभी तो ये बन गई है बालों में लगाने के लिए, अच्छी भी लग रही है। चलिए अभी शाम का समय हो गया है, कुछ खाने पीने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं अभी चलती हूँ, देखती हूँ क्या होगा, क्या कर सकती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने ये 2 कटोरी पानी लिया है, छोटी कटोरी से थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, और अदरक मिर्ची कूट के डाल दिया है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच भर के चीनी डाल दी है, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब में इसमें नमक पड़ेगा। और ये नींबू पानी बढ़िया घोल बना लिया है, और बनाने जा रही हूँ मैं ढोकला। तो आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट भी आई थी, कई दिनों से मैं सोच रही थी। तो बस ये देखिए 2 कटोरी ही भर के बेसन लेंगे, 2 कटोरी पानी लिया था इसी कटोरी से, और इसी कटोरी से भर के 2 कटोरी बेसन ले लिया। इनको थोड़ा सा चाल लेंगे, क्योंकि बेसन चला रहता है ना तो और अच्छा रहता है। और उसके बाद इसमें हल्की सी हल्दी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी, और नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिना हल्दी के भी बन जाते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद ये जो पानी का घोल बना के रखा था, नींबू पानी चीनी सब कुछ डाल के, इस घोल के थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे, और बहुत अच्छे से फेंटेंगे, क्योंकि ये जितना अच्छा हम फेंट लेते हैं उतने अच्छे स्पंजी बनते हैं। तो करीब 5 मिनट तो आप खूब बढ़िया चला ही लीजिए, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। वैसे ही ये मैनेजमेंट एकदम सही है। और ये देखिए सारा ही पानी, इसमें अदरक मिर्ची आप थोड़ा सा काट के भी डाल सकते हैं, मैं हमेशा कूट के डालती हूँ। तो बस वही डाल के खूब बढ़िया से इसको घोल लिया है। अब उसको फूलने के लिए मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया है, और आ गई हूँ छत पे। तो आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट करी कि आप पौधे दिखाइए कि कौन से पौधे लगा रखे हैं, मैंने कई बार दिखाए हैं, मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो और ये फूल वगैरह अब खिल रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ठंडियों में बहुत कम खिलना हो गया था। तो मैंने कहा चलूँ कपड़े उतार लेती हूँ, और उसके बाद कड़ी पत्ता ऊपर लगा रखा है तो कड़ी पत्ता ले आती हूँ। यहाँ देखिए गोभियों के भी 2-4 पेड़ हैं, टमाटर है, कड़ी पत्ता है, पूजा वाले केला, नीम, तुलसी और पीपल, ये सब लगा रखा है, कनेल का, पपीता और समी का, और भी मतलब आंवले का, मैं बहुत सारे पौधे, ये चीकू का है, और ये सब सजावट वाले, और इधर गिलोय का भी है,
और ये देखिए इधर धतूरा है, और ये मतलब बहुत सारे पौधे हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ इसलिए नहीं, आप लोग को बस दिखा दिया है, मैंने कहा जिसने भी बोला है वो देख ले। तो बस यहाँ पे ये सारे ही पौधे हैं और बहुत अच्छा लगता है। देखिए नींबू भी है और इधर कैप्टस है और गुलाब के कई तरह के गुलाब हैं मेरे पास, देसी गुलाब, विदेशी गुलाब, वाइट, रेड, और ये सारे ही पौधे सो वाले भी हैं। तो ये उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और वो हो गया था 15 मिनट ढोकले का जो हमने बैटर घोल के रखा है। अब इसको खोल के एक बार फिर से चला लेंगे। और कड़ी पत्ता ला के रख दिया, यहाँ कढ़ाही रख दिया है, कढ़ाही में पानी डाल दिया है, तब तक पानी थोड़ा सा उबलने वाला हो। और थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें एक पैकेट जो इनो का आता है ना, बस इसमें एक पैकेट इनो डाल दिया है। और इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, पर इतना तो चलाना है कि अच्छे से मिल जाए। और बस मिला लिया है मैंने, अच्छे से इसको घोल लिया है और ये तुरंत ही बढ़िया सा फूल जाता है। और उसके बाद इसको इस आपके पास जो भी टीन, जो भी बर्तन है उसमें इसको पलट लीजिए और कुछ नहीं करना है, इसको रख दीजिए। और इसमें तेल ऑयल कुछ भी बर्तन में नहीं लगाना रहता है। और कम से कम 25 से 30 मिनट लगेगा, मीडियम गैस पर उसको छोड़ दीजिए। इधर मैंने पानी बनाना शुरू कर दिया है, तो जिसके लिए थोड़ा सा 2 चम्मच तेल लिया है, थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है, अब कड़ी पत्ता डाल दिया है, उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी है। और अभी गैस ज़्यादा तेल गर्म हो गया था इसलिए बंद कर दिया था, मैंने कहा सब जल जाएगा। जब डालने के बाद जब नॉर्मल हो गया तब मैंने फिर से जला दिया है और इसमें पानी डाल दिया है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। तो चीनी भी डाल दी है 2 चम्मच, वही करीब में 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा, एक बड़ा नींबू है तो एक बड़े नींबू का रस डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, और पानी को बस डाल दिया है, उबाल के रख दिया है पानी को तुरंत ही। और ये देखिए मेरा ढोकला अच्छे से पक गया। अब ऐसे ही आप इसको 10-15 मिनट टाइम है ना तो छोड़ दीजिए बंद करके गैस, और उसके बाद करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो मैंने छोड़ ही दिया था, उसके बाद फिर निकाला है, रख दिया है बाहर, अच्छे से ठंडा हो गया है, बाहर भी रख दिया क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर, पानी जो हम उबालते हैं ना डालने के लिए वो भी ठंडा होना चाहिए और जो ये ढोकला हम बनाएं ये भी ठंडा होना चाहिए, तब अच्छा बनता है। गरम में कभी भी मत डालें, नहीं ख़राब हो जाते हैं ढोकले। तो बस अब इसको शेप में अपने काट लेना है, केक की तरह बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितना अच्छा ढोकला बन गया है स्पंजी, मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती हैं। और बस ये जो पानी बनाया था इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, और इसमें बस पानी को अच्छे से ऐसे चम्मच से डालते जाएंगे, तुरंत ही सोखता जाएगा ये सारा ही पानी, जितना आप डालेंगे अच्छे से सोख लेता है। ये देखिए ढोकला बन गया है, बढ़िया बढ़िया। और अपने भगवान जी को आज सोच रही हूँ कि इसी का भोग लगवा देती हूँ और दीपक जला देती, दीक्षा जलाएंगे आज दीपक। क्यों जा रही है? जाओ। तो आज इनका पहला पेपर था दीपू और देव का। खा के बताओ कैसे बने, स्पंज जैसा है ना? देव कह रहे एकदम स्पंज जैसे हैं, तो सच में रस निकल जाएंगे, सच में बहुत अच्छे बने हैं। खा के बता टेस्ट कैसा है? लो, अच्छा है। बस ये लीजिए, आप लोग भी खाइए बढ़िया बढ़िया ढोकला, और हम लोग भी खाते हैं अभी। तो बस उसके बाद लग गई खाना बनाने में, और खाना में आज मैंने ये बिना मसाले वाली आलू टमाटर हरी धनिया की तड़के वाली सब्जी बोलते वो बनाई हूँ, वो भी लोहे की कढ़ाई में। तो कढ़ाई लोहे की रहती, तुरंत ही पलट के अब इस कढ़ाई को मैं धुल के रख दूँगी। और खाना पीना बर्तन किचन सारे ही काम हो गए हैं। और ये है हर्रे बोलते हैं इसको गांव वाले में, मतलब वैसे बहुत लोग जानते होंगे हर्रे बोला जाता है इसको। और थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाला है, हर्रे को डाला है भूजने के लिए, और ये बढ़िया सा चूरन बनाएंगे। कभी भी पेट में कब्ज गैस कुछ भी दिक्कत आती है ना, तो ये चूरन खा लेने से आपको जब भी
गुनगुने पानी से आप खा लीजिए एक चम्मच चूरन, तो बहुत ही फायदेमंद होता है और घर का बना होता है तो कोई नुकसान भी नहीं रहता है। और ये फूल के देखिए कैसे हो जाते हैं हर्रे। उसके बाद इसमें 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। हर्रे जब जैसे फूल जाता है बढ़िया से धीमी आँच पर, पहले तेज आँच फिर धीमी आँच कर दी थी, भूल गए हैं, और इसमें डाल के बस इनको चलाएँगे। गैस मैंने बंद कर दी है, इनको भूजना नहीं है, कढ़ाई लेकिन इतनी गर्म थी कि हल्का सा उसी में छोड़ दिया है। अभी ठंडा हो गया है। और ये काला नमक मैंने दिखाया था आप लोग को, ये बड़ा सा वैसा लाई हूँ बिना पिसा हुआ, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये ज़्यादा शुद्ध होता है इसलिए मैं ये वाला नमक लाई थी। पर इस सिल पे ना फूट ही नहीं रहा था, मैंने कहा कहीं स्लेप ना फूट जाए, इसको नीचे रख के फोड़ूंगी। और जो हर्रे थे इनको थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोड़ लेंगे ताकि मिक्सी जार में ना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और अच्छे से पिस जाए। तो मैंने सारे हर्रे को थोड़ा सा तोड़ लिया था और उनको रख दिया है। और यहाँ पे नीचे सील रख के ना मैंने काले नमक को फिर फोड़ा है इसको, और फोड़ के इसको मैं बाद में पीस के रखूँगी क्योंकि ये नमक ना और ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद, और ये जानते हैं आराम से मिल जाता है किराना की जो शॉप होती है, जो सामान जहाँ से राशन का मिलता है ना, और उसका 1 चम्मच इसमें नमक डाला है। और डालने के बाद ये देखिए बढ़िया सा इसको पीस लिया है। ये देखिए मेरा चूरन हो गया है तैयार और किचन भी फैल गया है मेरा। और ये बगल में लेटे हुए हैं क्योंकि रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो गया है, तो पहले शोर मचा के रख दिया, सोने नहीं देना चाह रही हो। तो ये देखिए, ये शिवांगी करके हैं, उनका कमेंट आता है तो उन्होंने पूछा था कि मेहंदी कौन सी है, तो मैंने बताया था कि रजनी मेहंदी है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसमें दिखा रही हूँ रजनी मेहंदी। ये नेचुरल रजनी मेहंदी, नाम भी दिख रहा होगा, उल्टा शायद दिख रहा है क्या। तो ये यही पैकेट है जो मैं लगाती हूँ बालों में। और अब लेटने का टाइम हो गया है, काम सारे हो गए हैं, ये बाद में आए ड्यूटी से, हम लोग खाना पहले खा लिए थे, ये खा के भी इनकी थाली रखी हुई है किचन में और सारे किचन बर्तन सब हो गए थे, तब ये बस सोएंगे। अभी भी दूध दूध पी लिया है, लाइट सब बंद हो रखी है, एक लाइट जल रही है बस, ये देखिए अब आया उजाला। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरत है आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट की भी, तो उसी से मोटिवेशन मिलता है मतलब मुझे और अच्छा करने के लिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।